हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला लॉस एंजेल्स डॉडगर्स वर्सेस मायामी ब्रेवरीवर्स एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे डिटेल ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11। आप यहां पर पहुंच जाएंगे और काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। और यहां पर आने के बाद आपको विजन 11 का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आपको विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट कमानी है। तो दोस्तों, यहां पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और दोस्तों इंटरव्यूज भी काफ़ी कम है। और आज मैंने एक फुटबॉल को मैच को कवर किया था और वो हमारा अल्ट्रा कॉलिनशिप रहा। तो इसमें दोस्तों कल से हम फुटबॉल को भी कवर करेंगे और 10 में से 7 मेरी अल्ट्रा की आपकी गारंटी होगी। तो कल से आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करके चला सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो अब बात की जाए कि इस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे। तो लॉस एंजेल्स डॉडगर्स के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने अब तक 160 मैच प्ले किए, जहाँ पर 104 में विन और 56 मैचों में लॉस का सामना है। तो पता चल रहा है काफ़ी नेक्स्ट लेवल की टीम है। और मैं अभी बात करूँ एमबी यानी कि दोस्तों ब्रीवर्स के बारे में, तो ब्रीवर्स ने भी 160 मैच ही प्ले किए, जहाँ पर 95 में विन और 65 मैचों में लॉस का सामना है। तो दोस्तों यहीं से पता चल रहा है कि दोनों ही टीम काफ़ी अच्छी खासी है। मैंने 6 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्राई किया है। तो दोस्तों जो मुझे ब्रीवर्स से काफ़ी कम प्लेयर मिले और जो डॉडगर्स है उससे मुझे काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर मिले हैं। बाकी जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपके लिए 5 और 4 का ही होने वाला है। तो दोस्तों मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तब तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पेसर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो वीडियो एंड तक वॉच करें उसको दोस्तों इस मैच में काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, इस मैच में दोस्तों ये मैच इतना अच्छा खासा है कि मैं इस मैच की हर प्लेयर को उठाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मैच में मुझे काफ़ी अच्छे प्लेयर मिलने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा फिल्टर सेक्शन से बैट्स के बारे में। तो बैट्स को तो आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर है दोस्तों। आपको लास्ट मैच को दोस्तों इग्नोर करना है, सभी प्लेयरों के लास्ट मैच को, उससे जो नेक्स्ट डेट होगा आपको उसको उठाना है। पर दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा है लगातार मैचों में, और आप इन्हें अपनी टीम में वो इसके अपने ट्राई करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपका अपोनेंट होगा वो अपनी टीम को किस तरह पिक करेगा, या तो ये देखा उसके कितने पॉइंट्स हैं, या फिर वो ये देखा उसको उसका कितना मेजोरिटी का सेलेक्टेड परसेंट कितना है, वो यही देखकर टीम को पिक करेगा और उसको हार जाएगा, क्योंकि उसको घंटा नॉलेज नहीं है बेसबॉल की और वो दोस्तों बस लाइनअप को देखता है और पैसे लगा देता है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। गारसिया के बारे में बात करें तो दोस्तों गारसिया काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है इनका, लेकिन काफ़ी भरोसेमंद वाले प्लेयर हैं अभिषेक गारसिया। और कल के मैच में चल जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी इन करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर से ज़्यादा हम भरोसा उठ चुका है और मेजोरिटी लेवल भी काफ़ी कम हो रहा है। मेरा मन है कल के मैच में इनका जो मेजोरिटी लेवल होगा वो आपको 60% के आसपास देखने को मिल सकता है, और आपके अपोनेंट के पास 3% चांस होंगे कि आपके अपोनेंट के पास बिल्कुल भी ना हो। भाई गारसिया अपने काफ़ी अच्छी खासी चॉइस है। पोलक भी जो मैं आपको बता सकूँ लास्ट मैच को आपको इग्नोर करना है हर प्लेयर के लास्ट मैच को, और उससे जो इनका पिछला परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आप ग्रैंडलिंग में पैसे इन्वेस्ट करके चल रहे हैं तो कैप्टन उसके अपने ट्राई कर लेना, आपके लिए सबसे बेस्ट टीम होने वाली है। बाकी दोस्तों मेरा मन करेगा तो मैं 6 और 3 का एक कॉम्बिनेशन अपनी लास्ट टीम में रखूँगा, क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मुझे एलईडी से एक प्लेयर उठा, मैं तो दोस्तों 7 और 2 का कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहा, लेकिन 6 और 3 का ही इंपठाना इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। टेलर के बारे में बात करें तो टेलर दोस्तों मैंने एमबी से मैंने इनको अपनी टीम में इसीलिए उठाया, इनका जो मेजोरिटी लेवल है वो काफ़ी कम रहता है, आपको लास्ट मैच को इग्नोर करना है, उससे भी इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा है और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। रन स्कोर 1 क्या है, बेस ऑन बॉल रेट भी 1 क्या है, तो इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी, और सिंगल भी 3 लगा दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई होम रन नहीं लगा भाई वो अलग बात थी, लेकिन सिंगल 3 लगाकर भी आपके लिए काफ़ी अच्छे से पॉइंट कलेक्ट कर दिए हैं। दोस्तों बात करूँ इनफील्डर सेक्शन के बारे में, तो इनफील्डर सेक्शन से मैंने एक प्लेयर को ड्रॉप भी कर दिया। सबसे पहले बात करूँ टरिया टर्नर के बारे में, तो टरिया टर्नर का परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा लगातार मैचों से, और आज के मैच में इनको अपनी टीम में कैप्टन रखने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर हैं और इन्हें अपनी टीम से ड्रॉप करने का मतलब है कि आप अपना लॉस करवा रहे हैं और आपके लिए सबसे अच्छे प्लेयर होने वाले, और मैं अपनी टीम में कैप्टन ट्राई करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों फाइनल टीम तो स्टैट के ऊपर होती है, स्टैट निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर से स्टैट निकाल कर टीम को पिक करता हूँ और फिर आपको फाइनल टीम देता हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करें मुंशी के बारे में, तो मुंशी इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर होने वाला दोस्तों फिलहाल इस मैच का यही है मैक्स मुंशी, क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए कि इतने अच्छे खासे प्लेयर हैं
इतने अच्छे खासी प्लेयर हैं दोस्तों कि जो इनका परफॉर्मेंस है पहले काफ़ी डाउन जाता है, काफ़ी डाउन ड्रीम इलेवन शायद मैच काट दिए होंगे दोस्तों, काट दिए उनके बाद दोस्तों इनका परफॉर्मेंस इतने ऊपर जाता है कि इनको कोई हाथ भी नहीं लगा पाता आपको लास्ट में, सब इग्नोर करना है। इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा, एक दो मैच में एक दो होमरन लगा देते तो काफ़ी बड़ी बात। अब देखिए दोस्तों एक होमरन लगाया है तो आप मैक्स मुंशी आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी है, और जो कैप्टनसी का मेजोरिटी लेवल होगा वो आपको मुंशी की तरफ देखने को मिलने वाला है, लेकिन आपको इन कम्युनिटी में कैप्टन ट्राई नहीं करना है दोस्तों। शिखर की तरफ दोस्तों मेरा ध्यान नहीं था इस मैच में, लेकिन मैंने बाद में ध्यान किया कि शिखर भी प्ले कर रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है, इनको भी आप कैप्टन ट्राई करते हैं। कैप्टन के लिए आपके पास यहाँ पर दो चॉइस वाले, ट्रिया टर्नर और दोस्तों शिखर दोस्तों, और मैंने यहाँ पे जस्टिन टर्नर को अपनी टीम से ड्रॉप किया क्योंकि पिछले मैच का जो उनका परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा खासा था, और जो फाइनल टीम होती है दोस्तों आपको स्टैट के आधार पर ही मिलती है। मैं आपको एक बार चेकआउट करता हूँ, जस्टिन टर्नर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था। अब बात की जाए पिचर के बारे में तो पिचर मैंने यूरस को ट्राई किया अपनी टीम के लिए, बाकी जो फाइनल टीम होगी दोस्तों आप सभी को मैं किसको ट्राई करूँ, मैं पे बुलर को ट्राई करने वाला हूँ ड्यू टू क्रेडिट इशू, केवल 0.5 इशू के कारण दोस्तों मुझे इनको अपनी टीम से ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन दोस्तों मेरे लिए बुलर ही काफ़ी अच्छी खासी चॉइस होगी पिचर के लिए। अगर पिचर दोस्तों प्ले करते हैं मैं आपको बता सकूँ लास्ट मैच को आप इग्नोर करना, हर प्लेयर को आपको 0.1 मिले जिसने प्ले किया हो ना किया हो दोस्तों, जो इनका परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी अच्छा खासा ही रहता है, और आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है दोस्तों बुलर। आप इन्हें कैप्टन ट्राई करते हैं, अगर दोस्तों ये प्ले करेंगे तो जो कैप्टनसी का मेजोरिटी रहेगा वो इनकी तरफ ही होगा, और आपको भी इनको ही अपनी टीम में कैप्टन लेके चलना है। कैचर के बारे में बात करूँ तो कैचर के अपनी आपके पास यहाँ पे दो चॉइस होने वाली है दोस्तों, सीमित और नर्वेस। तो पहले हम सीमित का डाटा कलेक्ट करेंगे दोस्तों, विल सीमित तो लास्ट मैच को भी इग्नोर करना है, उससे पीछे आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है और विल सीमित को ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं नर्वेस की तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि जो ये इनसे ज़्यादा अच्छे खासे प्लेयर लास्ट मैच को हम इग्नोर करके देखिए कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, और ऐसे परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को मैं अपनी टीम के लिए जरूर पिक करना चाहूँगा। तो दोस्तों बात करें कैप्टन उस कैप्टन के बारे में, उससे पहले टीम का प्रयोग कर लेते हैं, टीम का प्रयोग करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उस टीम में चार फील्डर, तीन फील्डर, एक पिचर और कैचर को ट्राई किया है। कैप्टन देखिए मैंने इसमें फिलहाल ट्रिया टर्नर को ट्राई किया और वो कैप्टन बैट्स को रखूँगा, बैट्स को अपनी टीम में कंफर्म वो कैप्टन लेके चलूंगा, बाकी आप सीगर को भी ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में कैप्टन। कैप्टन के आपके पास यहाँ पे दो चॉइस होने वाली है, और अगर बुलर प्ले करते हैं तो आपके लिए बुलर भी कैप्टन के लिए अच्छी खासी चॉइस होने वाली है, तो उसको दोस्तों सेव कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को काफ़ी मेहनत लगती है तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।